चलिए तो ध्यान देंगे बाबू, पिछले क्लास में हम लोग क्रोमोजोम के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग विशेष रूप से जो स्टडी करेंगे वो डीएनए और आरएनए के बारे में करेंगे, क्योंकि क्रोमोजोम में हम आपको बताए थे क्रोमोजोम में मुख्य रूप से जो पार्ट्स उसका है वो डीएनए और आरएनए है, और उसी डीएनए के ऊपर में कुछ स्पोर्स रहता है लाखों की संख्या में, और उस स्पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। डीएनए के ऊपर जो लाखों की संख्या में स्पोर्स पाया जाता है उस स्पोर्स को क्या कहा जाता है, तो उस स्पोर्स को ही क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। और अनुवांशिक गुण के बाहर करने का काम कौन करता है, जीन करता है। और जेनेटिक मटेरियल के अंतर्गत किसका नाम आता है, तो डीएनए का नाम आता है। जेनेटिक मटेरियल किसको कहा जाता है, जेनेटिक मटेरियल किसको कहा जाता है, डीएनए को कहा जाता है। तो आज हम आपको बताते हैं डीएनए और आरएनए के बारे में, दोनों होता है क्रोमोजोम के अंदर ही और दोनों होता है न्यूक्लियस के अंदर ही, लेकिन दोनों में कुछ कुछ अंतर है जिस अंतर को समझना जरूरी है। जैसे कि डीएनए भी पढ़ लीजिएगा आरएनए भी पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको लगेगा लगभग दोनों समान है, लेकिन दोनों में बहुत सारे बात का डिफरेंस होता है जिसके डिफरेंस से ही एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो अभी हम इसके ये तो कल समझ लिए थे, आज इसके आगे हम लोग समझने जा रहे हैं किसके बारे में, डीएनए के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आरएनए के बारे में। तो सबसे पहले आप डीएनए क्या है और आरएनए क्या है इसको अच्छे तरीका से समझ लें, उसके बाद वहां पर दिखाएंगे हम आपको, तो सब कुछ तुमको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ध्यान देंगे, आप भी अपनी कॉपी में एक जगह एक तरफ लिखेंगे डीएनए और दूसरी तरफ लिखिएगा आरएनए, एक तरफ लिखिएगा डीएनए और दूसरी तरफ क्या लिखिएगा आरएनए। जैसे ने बच्चा में पढ़ते थे एक तरफ लिखते थे धातु और एक तरफ अधातु, तो अंतर हो जाता था दोनों में, तो उसी तरह से आज डीएनए और आरएनए में अंतर स्पष्ट होना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में जो सवाल पूछता है वो डीएनए आरएनए के अंतर से पूछता है, तो इस चीज को समझना भली बहुत ही जरूरी है। खाली थ्योरिटिकल पढ़ लीजिएगा डीएनए आरएनए तो क्वेश्चन कंफ्यूजन में हो जाता है, और ऑप्शन में तो डीएनए भी रहता है आरएनए भी रहता है जीन भी रहता है, तब तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं आप। तो इसीलिए इस बात पर ध्यान देना है हम लोगों को आज पढ़ना डीएनए और आरएनए में अंतर किस बात का है। हेडिंग डाल दिए सभी लोग, एक तरफ डीएनए और दूसरी तरफ क्या हेडिंग डाल दिए आरएनए। तो अब आपको पढ़ना है कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। एकदम सब लोग अब क्या कीजिए, कॉपी कलम मोड़ के चुपचाप बोर्ड पर नजर दीजिएगा और एकदम कान जो है मेरे पास रखिएगा, हटाना ना है काट के, अपने पास ही रखना है। चलिए तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि डीएनए और आरएनए क्या है। तो इसके बारे में आप जानते हैं कि डीएनए और आरएनए जो है ये किसके अंतर्गत आता है, तो डीएनए आरएनए क्रोमोजोम के अंतर्गत आता है, यानी गुणसूत्र के अंतर्गत आता है। डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड का ही दो भाग है, क्योंकि हम आपको बताया कि क्रोमोजोम का निर्माण जो है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से हुआ है। क्रोमोजोम जो हमारे शरीर में है उसका निर्माण किससे हुआ है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से। तो हमारे बॉडी में जो क्रोमोजोम है जिससे हमारे बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है उसमें दो चीजें, एक न्यूक्लिक एसिड और दूसरा प्रोटीन। तो प्रोटीन आप भली भांति समझ रहे हैं, लेकिन उस न्यूक्लिक एसिड को ही दो भागों में बांटा गया था, तो उसी में एक को कहा जाता है डीएनए और दूसरे को क्या कहा जाता है आरएनए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं डीएनए के बारे में कि डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम क्या हो गया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का पूरा नाम क्या हो गया, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का मतलब क्या हो गया, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का मतलब क्या हो गया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये पहला अंतर हो गया कि दोनों अलग अलग तरह के न्यूक्लिक एसिड हैं। दूसरा अंतर क्या है इसमें, और कुछ समानता भी आपको दिखाई पड़ेगा, ऐसा नहीं कि दोनों में खाली आप अंतर देखिएगा, समानता क्या है वो सुनिएगा। डीएनए का जो निर्माण हुआ है वो राइबोज शर्करा बुझ रहे ना, शर्करों भी नहीं बुझता चला, स्टार्च तो बुझता होगा वो नहीं बुझता है, कार्बोहाइड्रेट तो बुझता होगा वो बुझ रहा है ना, शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट चला, शर्करा मतलब कौन सी, कार्बोहाइड्रेट, यानी आपका डीएनए जो है ये राइबोज शर्करा यानी राइबोज कार्बोहाइड्रेट प्लस नाइट्रोजन के चार कंपाउंडों से मिलकर बना है। राइबोज शर्करा प्लस किससे बना है, तो नाइट्रोजन के चार कंपाउंड से मिलकर, नाइट्रोजन के चार पदार्थों से मिलकर डीएनए का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है,
आवाज एकदम नहीं जा रहा थी, है आवाज तो जाइए ना। अच्छा वहां नहीं जा रहा है, कहां पूछ रहा है तो चला। हाँ करो बढ़िया से चला। हेलो हेलो हेलो, योद्धा के युद्ध भूमि जाने से पहले कारतूस तैयार नहीं रहेगा तो बुझ रहा की होगा, कुछ देर नहीं कर पा रहा, गौर करेंगे बाबू। तो डीएनए का निर्माण किससे हुआ, राइबोज सरकरा, अरे एक नाम लिख लिया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है लिखल रे, तो राइबो का नाम काहे पड़ा होगा, काहे राइबोज से मिलकर बना हुआ है, बात बुझ रहा है, तो उसी से राइबोज सब याद रहेगा। तो इसका निर्माण जो हुआ राइबोज सरकरा और नाइट्रोजन के चार यौगिकों से या नाइट्रोजन के चार परमाणुओं से हुआ है, उसी तरह से आरएनए जो है इसका भी निर्माण हुआ है राइबोज सरकरा प्लस नाइट्रोजन के चार यौगिकों से। दोनों का समानता हो गया कि डीएनए और आरएनए दोनों सेम चीज से मिलकर बना हुआ है, एक राइबोज सरकरा और चार नाइट्रोजन के कंपाउंड से, और ये भी राइबोज सरकरा प्लस चार नाइट्रोजन के कंपाउंड से। इसमें थोड़ा सा अंतर किस बात का आएगा कि यहां पर जो चार नाइट्रोजन का यौगिक है इसमें चार अलग अलग नाम आप देखेंगे, एक को कहा जाता है एडेनिन, दूसरे को कहा जाता है थायमिन, तीसरे को कहा जाता है साइटोसिन और चौथे को कहा जाता है गुआनिन। एकदम ध्यान से देखिएगा, राइबोज सरकरा और नाइट्रोजन के चार यौगिकों से किसका निर्माण हुआ है, डीएनए का, और राइबोज सरकरा और नाइट्रोजन के चार यौगिक से किसका निर्माण हुआ है, आरएनए का। कोई नहीं लिखिएगा, सिर्फ ध्यान से देखिएगा, अब चारों नाइट्रोजन के कंपाउंड में किसका किसका नाम आया, एडेनिन थायमिन साइटोसिन गुआनिन, याद हुआ, कौन 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 कौन, आप बोल, सब बोल रहा है ना, क्योंकि आपके ईमानदारी पर अभी तो कर दीजिएगा काम तो नहीं बुझ पाएंगे, तो ये आपके ईमानदारी पर निर्भर करता है कि आपको रियल में याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिनको थोड़ा कम याद होता होगा उनको घर पे एक बार ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, उससे बढ़िया जो ध्यान आकर्षित यही करना है और यही उसको याद करने का, घर पर कम टाइम दीजिएगा, इस पर तो दूसरे विषय पर टाइम दे दीजिएगा, आपको तो बहुत ही सब्जेक्ट पढ़ना है, तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा, एडेनिन थायमिन साइटोसिन और गुआनिन। अब देखिए इसका कॉम्बिनेशन यहाँ पर कैसा होता है, उस चीज पर गौर कीजिएगा, एडेनिन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ थायमिन से जुड़ा रहता है, एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ किससे जुड़ा रहता है, थायमिन के साथ जुड़ा रहता है, और साइटोसिन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ गुआनिन से जुड़ा रहता है। एकदम सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, थायमिन के साथ किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड के साथ, और साइटोसिन गुआनिन से किससे जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तो इसमें जो चार गो इसका नाइट्रोजन का जो कंपाउंड आता है ना, इसमें क्या क्या रहता है गौर कीजिएगा, इसमें एडेनिन भी रहता है, साइटोसिन भी रहता है, गुआनिन भी रहता है, सिर्फ ये थायमिन नहीं रहता है, थायमिन के जगह पे अलग एक कंपाउंड आता है जिसको यूरेसिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, यूरेसिल, क्या कहा जाता है, यूरेसिल। तो कुछ समानता भी आपने देखा और कुछ अंतर भी क्या देखा, इसमें जो नाइट्रोजन का चार कंपाउंड है उसमें तीन वो कॉमन रहता है, एक अलग होता है, थायमिन के जगह क्या रहता है, यूरेसिल, क्या रहता है, स्पष्ट हो गया मेरे भाई कि यहाँ पर जो दूसरा डिफरेंस आपने देखा, इसमें एडेनिन होता है, यूरेसिल होता है, साइटोसिन होता है और गुआनिन होता है, अंतर सिर्फ इसी का था पार्वती तिरुसे में है। सभी लोगों को दिखाई दे रहा है चला, एकदम समझ में आ गया, तीन वो समाने रहेगा, एक वो अलग हो जाएगा, थोड़ा सा अंतर, कभी कभी देखिएगा दुर्गा में भाई बहन जो रहता है ना उसमें सब कुछ समान दिखेगा, थोड़ा कुछ न कुछ अंतर हो ही जाता है, तो उसी तरह से ये दोनों है एक ही जगह का, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है कि इसमें थायमिन रहता है और इसमें क्या रहता है, यूरेसिल रहता है। कोई कंफ्यूजन नहीं, अगला चीज देखिएगा, आपका जो डीएनए है इसका स्ट्रक्चर हम आपको बताए थे डबल हेलिक्स में होता है, बताए थे ना, ऐसे वाला बताए थे, ये किसका संरचना है,
कहीं भी ऐसा दिख जाएगा बायोलॉजी में, पूछिएगा डीएनए है, दूसरा विषय कुछ और हो सकता है, यहां पर खाली ध्यान देना है। ऐसा संरचना कहीं रहेगा तो क्या बुझिएगा डीएनए, चूंकि एसन का समय प्रिडिक्स में रहता है वो कहलाता है, तो अलग ही चीज होती है। यहां पर ये क्या होगा डीएनए, लेकिन इसका संरचना जानते कैसा होता है, इस सिंगल स्टैंडर्ड में होता है, एकदम पतला सा एक झिल्ली रहता है, लंबा सा रहता है, यानी इस सिंगल स्टैंडर्ड का होता है और ये डबल स्टैंडर्ड का होता है, यानी ये क्या होता है सीधी रुमा होता है और ये सिंगल स्टैंड में एक वन लाइनर होता है। यदि अंतर हो गया, दोनों का आकार अलग अलग दिख रहा है सभी लोगों को, अब तुम नहीं पढ़ेगा, हम समझ रहे हैं, तुम अब कल सब तुम पीछा बैठेगा। अच्छा बताओ चला आवाज नहीं जा रहा बात होने बात ये है ना चला कि जितना यहाँ बैठल है ना एक से दस गुना कहीं और बैठ के पा बात ये बीच बीच में कुछ लेना पड़ता है गला कम ही नहीं करे मैडम बोली इतना आदि खाइएगा शरीर हिट हो जाएगा, हमने पूर्व खा लिया पुराने पढ़ाई पर ध्यान देना चला आवाज जा रहा है ना चला बढ़िया से एकदम चलो दोनों का स्ट्रक्चर दिख रहा है सभी लोगों को, अलग अलग स्ट्रक्चर है ना, वो इसका संरचना कैसा है इसका कैसा है ये भी एक अंतर ना होगा। चलिए चौथा चीज देखना, डीएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल है यानी अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए कैसा पदार्थ है अनुवांशिक पदार्थ है, और ये अनुवांशिक पदार्थ ये जो है जेनेटिक मटेरियल नहीं है, जेनेटिक मटेरियल नहीं है। बगल में काट दिए याद रखिएगा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, आरएनए क्या है जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन बनाना नहीं है ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है चला बिल्कुल है, और ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं पूछना कब समझ गए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा क्या जानते हैं कि आरएनए किसका अनुवांशिक मटेरियल है, तब तुम कहेगा ये बात हाँ ये है तो करे बताते हैं। जब ये क्वेश्चन देखेगा ना तो लगेगा बाप रे बाप ये की कर दिया, एक ग्रुप डी नौकरी नहीं देगा लेने के लिए। क्वेश्चन ये पूछेगा कि आरएनए किसका अनुवांशिक मटेरियल है, तो ये भी केकरो केकरो है कि है के कर एक्स वायरस का नाम सुना है कौन एक्स वायरस का नाम एड्स वायरस का नाम नहीं सुने रहे एच आई वी का नाम सुने रहे चक्का तो हम रहता है नहीं सुने इतना खतरनाक बीमारी है पूरे दुनिया परेशान है कटा सुने नहीं है। तो आपने जो ध्यान रखिएगा मजाक वाली बात नहीं चला, इसको एकदम गौर करना है, गौर नहीं करना नोट करके तुमको लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि आपने जनरल फॉर फंडा जानते हैं कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है लेकिन आरएनए अनुवांशिक पदार्थ नहीं है। ये बात एकदम जान गए ना आप, डीएनए कैसा मटेरियल है अनुवांशिक मटेरियल है जेनेटिक मटेरियल है लेकिन आरएनए अनुवांशिक मटेरियल नहीं है, ये बात सबको याद हो गया। लेकिन नोट करके दिमाग में क्या रखना है, यही एक नंबर तोरा लाखों लाख विद्यार्थी से ऊपर कर देखो, ये सब दूसरा बात बुझने करता लड़का सब, लेकिन ये बात सिर्फ तू बुझेगा और कोई नहीं बुझ सकता कि आरएनए भी अनुवांशिक पदार्थ है लेकिन कुछ वायरस का है।
जैसे कि एचआईवी वायरस का नाम अभी हम बताए, एड्स का जो वायरस है वो कौन सा वायरस है? एचआईवी वायरस है। और वो एचआईवी वायरस का निर्माण जो है वो आरएनए से। इसलिए याद रखिएगा, एचआईवी वायरस जो है, एचआईवी का फुल फॉर्म याद है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो एचआईवी वायरस का अनुवांशिक पदार्थ क्या है बाबू? आरएनए है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आरएनए किस वायरस का या किस पदार्थ का अनुवांशिक पदार्थ है, तो आंसर क्या होगा? एचआईवी। आंसर क्या होगा? बताओ चला, एक क्वेश्चन तो कितना विद्यार्थी सुपर करेगा पता है ना? एक लाख, लाखों लाख, हो सकता है तो चारों लाख तो पीछे हो जाए सिर्फ एक सवाल में, तो चारों लाख पीछे हो जाएगा पता सर। इसलिए इस नोट जो है, इस नोट को अपने दृष्टि पटल पर बैठा लेना है। अभी तक का जितना कॉन्सेप्ट थोड़ा दिमाग में था आरएनए के बारे में, उससे यह एक लाख गुना बड़ा कॉन्सेप्ट गया कि कुछ वायरस में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ का भी काम करता है, जैसे एचआईवी। यस सर, ऐसे कई वायरस के नाम है, हो एड्स जो फैलता है ना उस वायरस का नाम है आपका भी ऑप्शन में देगा आपको मारेगा इतना मार के बीमारी प्रकार की बीमारी बताया एड्स आएगा कैसे होता है वो समझा देंगे बच के रहना है आप ठीक करेंगे रोक तो नहीं सकते हैं एड्स है बीमारी का नाम एड्स किसका नाम है बीमारी का नाम और बीमारी कौन वायरस से फैलता है तो जब भी ऑप्शन में देगा तो वायरस का नाम देगा या फिर क्वेश्चन ये पूछेगा कि आरएनए किस बीमारी के लिए उत्तरदायी है तब तो एड्स हैजा मलेरिया फलना चिलना दुनिया जहां सबकी बात ये भी एक बहुत बड़ा अंतर था चला अगला अंतर देखना बाबू अगला अंतर क्या है कि डीएनए के ऊपर लाखों लाख की संख्या में जीन रहता है लेकिन आरएनए में कोई जीन नहीं रहता डीएनए के ऊपर लाखों लाख की संख्या में जीन रहता है इस तरह का काफी स्पोर्स डीएनए में पाया जाता है लेकिन यहां पर किसी भी प्रकार का जीन नहीं रहता यानी आरएनए में जीन नहीं रहता है और डीएनए में क्लियर अगला अंतर देखना बाबू कि डीएनए जो होता है जिसको तुम कह रहा है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ये डीएनए गुण का वाहन करता है यानी लक्षण का वाहन करता है लेकिन आरएनए उसको रिकॉर्ड करता है आरएनए क्या करता है एकर काम अलग है ये सिर्फ लक्षण को ले जाएगा उसको क्रियान्वित करने का काम उसको रिकॉर्ड करने का काम कौन करेगा आरएनए का यह भी एक अंतर होगा कि ये सिर्फ लक्षण को रिकॉर्ड करता है और ये क्या करता है लक्षण
यूरेसिल, यूरेसिल लिखे ओकर बाद दुग नाम कॉमन है साइटोसिन और गुआनिन, साइटोसिन और गुआनिन अंतर सिर्फ एगो का था, एडेनिन यूरेसिल साइटोसिन और गुआनिन, साइटोसिन और गुआनिन, कोई दिक्कत। अगला लिखो आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड का होता है, बोलिए दो, चुप नहीं रहो, चट्टा कहीं का गोर हाँ की बोल रहा है ना, एक बॉन्ड नहीं होता, बॉन्ड नहीं होता गोर। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड का होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड का होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड का होता है, कैसा होता है भाई, सिंगल स्टैंडर्ड का होता है, लिखे। अगला लिखिएगा आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है यानी अनुवांशिक पदार्थ नहीं है, आरएनए अनुवांशिक पदार्थ नहीं है, अनुवांशिक पदार्थ नहीं है। उसके नीचे लिखिएगा नोट, एन ओ टी ई नोट लिखे, नोट में लिखिएगा कुछ विषाणु के, नोट में लिखिएगा कुछ विषाणु के अनुवांशिक पदार्थ के रूप में, कुछ विषाणु के अनुवांशिक पदार्थ के रूप में, कुछ विषाणु के अनुवांशिक पदार्थ के रूप में, अनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए, आरएनए, आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है, आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है, आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है। जैसे एग्जाम्पल लिख लेंगे, जैसे एच आई वी वायरस, जैसे एच आई वी वायरस, एच आई वी वायरस लिख लिए। अगला लिखिएगा आरएनए डीएनए के लक्षण को रिकॉर्ड करता है, आरएनए, आरएनए डीएनए के लक्षण को रिकॉर्ड करता है और उसे क्रियान्वित करता है, आरएनए डीएनए के लक्षण को रिकॉर्ड करता है और उसे क्रियान्वित करता है यानी वर्क फंक्शन में लाता है, और उसे क्रियान्वित करता है, और उसे क्रियान्वित करता है, क्रियान्वित करता है, लिख लिए। चलिए अब लिखेंगे डीएनए में, डीएनए का कोई प्रकार नहीं होता है, डीएनए में लिखिएगा, किसमें लिखिएगा, डीएनए में, किसमें लिखिएगा, डीएनए में लिखिएगा, डीएनए का कोई प्रकार नहीं होता है, डीएनए का कोई प्रकार नहीं होता है, डीएनए का कोई प्रकार नहीं होता है। आरएनए में लिखिएगा, आरएनए तीन प्रकार का होता है, आर डीएनए का कोई प्रकार नहीं होता है, आरएनए तीन प्रकार का होता है, आरएनए तीन प्रकार का होता है, आरएनए कितने प्रकार का, आरएनए कितने प्रकार का, तीन प्रकार का।
अब हमको लगता है तीनों का नाम लिखा देंगे तो यहाँ ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए, तो आरएनए कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। एक में लिखिएगा, एकदम छोटका टी लिखिएगा, क्या लिखिएगा? छोटका टी, टी आर एन ए, जैसे लिखल है ऐसा के लिखिएगा, छोटका टी शुरू कीजिएगा, छोटका टी हाइफन आर एन ए। एक का नाम है टी आर एन ए, दूसरे का नाम है एम, छोटका एम, एम आर एन ए, और तीसरा का नाम है छोटका आर से स्टार्ट होगा, आर आर एन ए। आर एन ए कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। कौन कौन? टी आर एन ए, एम आर एन ए, आर आर एन ए। याद हुआ सबको? आर एन ए कै प्रकार के? कै प्रकार के? तीन प्रकार के। कौन कौन? टी आर एन ए, एम आर एन ए, आर आर एन ए। सबको याद हो गया? चलिए, तो ये जो अभी आप पढ़ रहे थे ये था डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, और यहां पर आप देखेंगे डीएनए के बारे में जो कुछ भी बताए उस सब चीज लिखा हुआ है। सबसे पहले देखेंगे इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है डीएनए का, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सब आप कॉपी किताब बंद कीजिए, चुपचाप बोर्ड को देखिए, हर बार मत कीजिए, एकदम बोर्ड को देखिएगा, एकदम लिखा हुआ डीएनए का पूरा नाम आपको याद भी हो गया होगा, पहले से याद है आपको, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए क्या करता है? एक प्रकार का अम्ल है जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है? लक्षण का वाहन करता है, यानी माता पिता का लक्षण संतान तक पहुंचाने का काम कौन करता है? डीएनए करता है। डीएनए का निर्माण किससे हुआ है? तो देखिए लिखा हुआ है राइबोज शर्करा, किससे? राइबोज शर्करा एवं चार नाइट्रोजन युक्त क्षार से। किससे बना है? तो राइबोज शर्करा और चार नाइट्रोजन युक्त क्षार से। अब चारों का देखो नाम लिखा होगा, एक का नाम है एडिनिन, दूसरे का नाम है गुआनिन, तीसरे का नाम है थायमिन, और चौथे का नाम है साइटोसिन। कितने नाइट्रोजन के कंपाउंड से बना है? चार नाइट्रोजन। कौन कौन? एडिनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन। एडिनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन। उसका बाउंड भी शायद आपको पता होगा, एडेनिन थायमिन के साथ कैसे जुड़ा है? डबल बाउंड से। साइटोसिन गुआनिन के साथ कैसे जुड़ा है? ट्रिपल बाउंड से। एडेनिन थायमिन के साथ कैसे जुड़ा है? डबल बाउंड से। साइटोसिन गुआनिन के साथ कैसे जुड़ा है? ट्रिपल बाउंड से। ये कल बताए थे डीएनए का व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रम। एक टर्न की लंबाई कितना होता है? 34 एंगस्ट्रम। अगला देखेंगे। अब यहां पर डीएनए फिंगरप्रिंट की चर्चा किया, तो डीएनए और आरएनए का क्या अंतर है वो सब समझ गए। अब पहले हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में समझेंगे, उसके बाद आगे हम आपको बताएंगे आरएनए के बारे में, जो बता चुके सिर्फ दिखा देंगे। अब कहिएगा सर ये डीएनए फिंगरप्रिंट होता क्या है? तो गौर कीजिएगा, अभी जो आप पढ़ रहे डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में, इस शब्द से बिल्कुल स्पष्ट है कि डीएनए का एक फिंगरप्रिंट लेता होगा, यानी आपका जो ये फिंगर है, यानी उंगली है, इस उंगली को एक चेकअप में जब भेजा जाता है, जिसको डीएनए टेस्ट कहा जाता है, तो उससे आपका वास्तविक लक्षण पता चल जाता है। क्या पता चलता है? आपका वास्तविक लक्षण। जैसे आप कहिए कि नहीं सर हम बहुत ईमानदार हैं, हम गलत कर भी नहीं किए हैं, हम मान जाएंगे, चूंकि दिल्ली थोड़ा देख रहे लग रहा लड़का ठीक है, लेकिन जब वो फिंगरबा प्रिंट होगा तो तू कितना ठीक है वो पता चल जाएगा, तोहर कोई भी थेसिस वहां पर काम नहीं करेगा। यदि तोहर ससुर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी होगा, ओकरो वहां कुछ नहीं चलना है, क्योंकि वहां फिंगरप्रिंट रियल जानकारी देता है, वो डुप्लीकेट जानकारी नहीं देता है। बात बुझ रहा है? यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की हम बात किए, जो दिन को रात साबित कर देगा, नियम पारित हो जाएगा, दिन कराते होगा। बात तुम बुझ रहा है? वैसे लोग के भी आप सपोर्ट में हैं, या वही लोग आपका है नहीं, तो यो फिंगरप्रिंट गलत नहीं होगा। तो ये चीज है डीएनए फिंगरप्रिंट, जो आपके वास्तविक लक्षण को बताता है, आपने गलत किया या नहीं किया, एकरा में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी छुपा नहीं सकते हैं। आज हमारे देश के बहुत सारे राजनेता के बारे में आप पेपर में पढ़ते होंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंट में पकड़ा गए हैं, दाई के साथ नहीं, बुआ के साथ, गलत लोगों के साथ उनका संबंध था, ओकर सब बेटवा सब धन संपत्ति अरज रहा है।
आपने कई बार देखा होगा पेपर में, बहुत सारे राजनेता के खिलाफ निकला है। तो वो चूंकि कितनों बड़ा राजनेता उससे मतलब नहीं है, वो फिंगरप्रिंट में कुछ नहीं कर सकता है। देखते हैं ऐसे करके लेजर लगाता आपके आंख पर, समझ जाता तू के है। ऐसे चुटकी तू देता तू समझ जाता वो के है, तू डुप्लीकेट है, ओरिजिनल है नहीं होता है हो। तो ये चीज डीएनए फिंगरप्रिंट है, और डीएनए फिंगरप्रिंट को सबसे पहले पूरे विश्व जगत में 1984 ईस्वी में लाए थे डॉक्टर एलेक जेफ्रेज। किसने लाए थे? डॉक्टर एलेक जेफ्रेज, जिसके माध्यम से डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से किसी भी चीज की रियल जानकारी आपको मिल जाती है। जैसे अपराधी का पता लगाना है कि कौन किसको मारा कि नहीं मारा, वो भी पता चल जाएगा। भूले भटके माता पिता का पता करना है वो भी पता चल जाएगा। भूले भटके संतान का पता करना है वो भी पता चल जाएगा। संपत्ति विवाद है वो भी पता चल जाएगा। कोई अनुवांशिक बीमारी है वो भी पता चल जाएगा। या कोई ये ट्रांसजेनिक क्रॉप तैयार करवाना है, यानी पराजिनी फसल तैयार करवाना है, तो वो भी उसके माध्यम से संभव हो जाता है। तो इन सारे लक्षणों को बताने के लिए आपका डीएनए फिंगरप्रिंट काफी है। और पूरे विश्व में सबसे पहले इसे लाने का काम कौन किसने किया था? डॉक्टर एलेक जेफ्रेज ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर एलेक जेफ्रेज ने। कब? 1984 ईस्वी में किया था। भारत भी पीछे नहीं रहा, जस्ट चार साल के अंदर 1988 में क्या किया भारत में, वो डीएनए फिंगरप्रिंट को लाया। उनका नाम था डॉक्टर लालजी सिंह। कई साल लगातार आपको ये बनारस यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रह चुके हैं, पिछले 2017 में उनकी मौत हुई है। तो उन्होंने क्या किया भारत में सबसे पहली बार लाए, क्या लाए? क्या लाए? क्या लाए रे? डीएनए फिंगर। इन्हें समझना पानी लाए। हम अभी वहीं थे, हम यहां नहीं आए थे अभी। नहीं, डॉक्टर लालजी सिंह क्या लाए चला? डीएनए फिंगरप्रिंट को भारत में। तो क्वेश्चन दो तरह का हो गया ना, एक हो गया भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट को कौन लाया, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट को कौन लाया, कोई पता नहीं। ठीक है चला, जान लगा रहे हैं। ये बताओ चला, ये तो मैडम वाला उपाय कर दिया, लेकिन मैडम को सवेरे 4 बजे बोले ना गला कट कर चाय बनाई, इतना गर्म दे दिया के बार हमारा पिए कि पूरा जीवे झरक गया। अगला बार हम बोलबे नहीं करते चाय बनाने, वही उपाय देखो छोटा ही किया, अगला बार हम मंगबे नहीं करेंगे गर्म पानी ला। गर्म पानी में नॉर्मल गर्म ना होता रे, पीने योग्य होता है, झरकाने के लिए तू लाया है बताओ। चलो गौर करना है, गौर ये कम करवा रहे थे कि यहां दो टाइप का सवाल हो गया। एक हो गया कि विश्व में डीएनए फिंगरप्रिंट को सबसे पहले किसने लाया, एक हो गया भारत में सबसे पहले किसने लाया। तो विश्व में सबसे पहले किसने लाया? डॉक्टर एलेक जेफ्रेज। विश्व में डीएनए फिंगरप्रिंट को सबसे पहले किसने लाया? तो डॉक्टर एलेक जेफ्रेज। और भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट को सबसे पहले किसने लाया? डॉक्टर लालजी सिंह। डीएनए फिंगरप्रिंट की उपयोगिता क्या है वो तो आप समझ ही गए, अपराधी का पता लगाने में, भूले भटके माता पिता का पता लगाने में, तो क्लियर हो गया। डीएनए फिंगरप्रिंट का खोज किसने किया? डॉक्टर एलेक जेफ्रेज ने। किसने किया? डॉक्टर एलेक जेफ्रेज ने। कब किया था? 1984 में। डीएनए फिंगरप्रिंट का विश्व में सबसे पहली बार खोज कब हुआ था? 1984 में। किसने किया था? डॉक्टर एलेक जेफ्रेज। किसने किया था? डॉक्टर एलेक जेफ्रेज। भारत में, याद रखिएगा, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट कौन लाया? डॉक्टर लालजी सिंह। कौन लाए? डॉक्टर लालजी सिंह। कब लाया गया था? 1988 में। भारत में पहली बार कब आया? 1988 में। किसने लाया डीएनए फिंगरप्रिंट को? तो डॉक्टर लालजी सिंह। किसने लाया? डॉक्टर लालजी सिंह। और वर्तमान समय में भारत में, खास करके आपका चंडीगढ़ हो गया, या हैदराबाद हो गया, या हरियाणा हो गया, इन या लखनऊ हो गया, इन सारे स्थानों पर क्या होती है? डीएनए फिंगरप्रिंट करवाई जाती है। यानी आपके किसी भी अपराध के लिए यदि डीएनए फिंगरप्रिंट करवाना हो तो वह डीएनए कहां करवाना जाएगा? आप हैदराबाद में, चंडीगढ़ में, लखनऊ में, हरियाणा में, इन सारे जगहों पर इसकी व्यवस्था किया जा चुका है, जहां से आपका डीएनए फिंगरप्रिंट पता चल सके। अब इससे क्या क्या पता चलेगा वो आपके सामने है। अपराधी का पता लगाने में, खोए माता पिता या संतान का पता लगाने में, संपत्ति विवाद में, अनुवांशिक रोग के इलाज में, और पराजिनी फसल के निर्माण में, इन सब में क्या पता चल जाता है चला?
डीएनए फिंगरप्रिंट से ही सब पता चल जाता है कि कौन अनुवांशिक बीमारी फैला है या प्राजीनिक क्रॉप्स कैसे हम तैयार कर पाएंगे, किसका गुण ज्यादा बेहतर है और किसका गुण ज्यादा बेहतर नहीं है। इसके अलावे अपराधी का पता कैसे लगेगा, माता पिता का पता कैसे लगेगा, खोए संतान का पता कैसे लगेगा, इस सब की जानकारी किसके माध्यम से आसान हो सकता है, डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से। पांच नंबर में था पराजिनी फसल, किसी को नहीं बुझाया, ये तब बुझाएगा जब बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग पराजिनी फसल के बारे में यानी ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के बारे में आपको समझाएंगे, आपको पढ़ाएंगे कि पराजिनी फसल क्या है, तब समझ में आएगा। तत्काल सिर्फ इतना जान लेना है कि इन सारी बातों का पता करने में किसकी उपयोगिता की जाती है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट की उपयोगिता की जाती। कोई कंफ्यूजन नहीं, एक एक ट्रांसजेनिक क्रॉप्स ने समझा होगा, जो कि आगे समझेगा बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाएंगे पराजिनी फसल क्या है, यानी अच्छे गुण वाले जीन को क्या किया जाता है, घटिया किस्म के जीन में डालकर उसको भी डेवलप करवा दिया जाता है, तो उसी को ट्रांसजेनिक क्रॉप्स कहा जाता है, जो भारत में सबसे पहली बार टमाटर के लिए उपयोग किया गया था, और वर्तमान समय में 8000 से भी ज्यादा ऐसे फसल उगाए गए हैं जिसको ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के तहत तैयार किया गया है। इसके बारे में डिटेल्स हम लोग कहां पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम लिखा होगा बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी है लिखा हुआ, वहीं पर हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब हम आते किसके बारे में पढ़ेंगे, तो आरएनए के बारे में। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये भी सेम चीज से बना है, राइबोस शर्करा और चार नाइट्रोजन के क्षार से। उसमें एक के अंतर क्या था, यहां पर यूरेसिल लिखा भी होगा, एक के अंतर क्या था कि थायमिन के जगह पर यहां पर क्या हो गया, यूरेसिल। तीन को कॉमन है, जो डीएनए में था वही पर आरएनए में भी है, लेकिन अंतर सिर्फ एक का था, किसका, थायमिन के जगह पे क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा। उसके बाद यह भी स्पष्ट हो गया था कि यह अनुवांशिक गुण का वहन नहीं करता है, कुछ वायरस में डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, बादमकी अनुवांशिक पदार्थ आरएनए नहीं है। कुछ वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, जैसे कि एचआईवी का नाम बताए, बादमकी में जेनेटिक मटेरियल नहीं है। आरएनए कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का, तीनों का नाम लिख लिए थे क्या, कौन कौन, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। आरएनए कितने प्रकार के, कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, कौन कौन, क्लियर हो गया, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। तीनों का काम भी क्लियर है कि यह एमिनो एसिड का क्या करता है, निश्चित क्रम तैयार करता है, यानी रिकॉर्ड वाली बात जो बताया था आरएनए का, वो आपका मैसेंजर आरएनए क्या करता है, उस मैसेज को रिकॉर्ड कर लेता है। ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा, टीआरएनए। ट्रांसफर का काम कौन करेगा, टीआरएनए, यानी एमिनो एसिड को कहां पहुंचा देगा, राइबोसोम के पास, और प्रोटीन का संश्लेषण कौन करवाएगा, आरआरएनए। यानी राइबोसोमल क्या करता है, राइबोसोम पर पाया जाता है जो प्रोटीन का संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। तो क्वेश्चन तीनों से तीन टाइप का, एक हो गया कि मैसेज को रिकॉर्ड कौन करता है, एमआरएनए, ट्रांसफर कौन करता है, टीआरएनए, और प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता कौन प्रदान करता है, तो आरएनए। प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता प्रदान कौन करेगा, आरएनए। उसके बाद जो लक्षण हम आपको बताए थे आरएनए का, वो लक्षण यहां पर लिखा हुआ है कि ये फ्रेडरिक मिशर ने 1868 में किसके बारे में बताया था, न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड अभी दो तरह का पढ़ रहे हैं, डीएनए आरएनए के बारे में, तो ये न्यूक्लिक एसिड का ही दोनों पार्ट्स है, और इस न्यूक्लिक एसिड का खोज किसने किया था, फ्रेडरिक मिशर ने, कब किया था, 1868 में। उसके बाद प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है, उसको मैट्रिक्स, जैसे कि वहां पर हम लोग कहां पर थे, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में भी एक जेली था ना, जिसको मैट्रिक्स कहे थे, उसी तरह का आरएनए और न्यूक्लिक एसिड में, डीएनए में भी क्या पाया जाता है, मैट्रिक्स पाया जाता है, न्यूक्लियस में इसका मतलब मैट्रिक्स रहता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स रहता है, उसी तरह से न्यूक्लियस में भी मैट्रिक्स पाया जाता है, यानी न्यूक्लिक एसिड में मैट्रिक्स पाया जाता है। जीन को अनुवांशिक लक्षण का वाहक कहा जाता है, और यह गुणसूत्र परिस्थित होता है, यानी गुणसूत्र के जगह डीएनए हो जाएगा, यह डीएनए परिस्थित होता है। जीन कहां स्थित होता है, डीएनए पर। अनुवांशिक लक्षण का वाहन कौन करता है, जीन। जीन पाया कहां जाता है, डीएनए पर। अतः जीन और डीएनए दोनों ऑप्शन हो तो याद रखिएगा आंसर डीएनए ही होगा। डीएनए और जीन दोनों ऑप्शन में हो, क्वेश्चन सेम हो कि अनुवांशिक लक्षण का वाहन कौन करेगा या अनुवांशिक पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है, तो आंसर होगा डीएनए। आंसर क्या होगा, डीएनए। आंसर क्या होगा, डीएनए। और इसके बारे में कल हम आपको बताए थे कि मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या क्या गो, 46 को। क्रोमोजोम कितने प्रकार के, दो प्रकार के।
एक बॉडी क्रोमोजोम और दूसरा सेक्स क्रोमोजोम। बॉडी क्रोमोजोम की संख्या क्या गो 44 यानी 22 जोड़ा। सेक्स क्रोमोजोम की संख्या क्या गो 2 गो। मेल के लिए बताए थे एक्स वाई और फीमेल के लिए क्या बताए थे? मेल के लिए फीमेल के लिए यानी फीमेल में जोड़ा है सेम होता है, मेल में क्या होता है अलग अलग होता है। कोई कंफ्यूजन? चलिए अब हम आपको बताते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका इन जिसको सुने थे अंग्रेजी में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना नाभिक के यानी क्या बोलते हैं कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो आप देख रहे हैं सबसे बड़ा कोशिकांग यही है कोशिका का। अभी तक आपने जितना भी नाम सुना चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो लाइसोसोम हो राइबोसोम हो गॉल्जी बॉडी हो या न्यूक्लियस हो झिल्ली हो भित्ति हो जितना भी नाम अभी तक आपने सुना सबसे बड़ा साइज में कौन होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका के अंदर सबसे बड़ा साइज में कौन होता है? कौन होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब कहिएगा सर ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या है उसमें एकर कौन काम ओकरा में है? तो ध्यान से सुनना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कोशिका द्रव में भी पाया जाता है और ये केंद्रक द्रव में भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ऐसा नहीं कि सिर्फ कोशिका द्रव में पाया जाएगा और केंद्रक द्रव में नहीं पाया जाता है। बाद बाकी और के बारे में जो आपने पढ़ा क्रोमोजोम को छोड़ दिया जाए चाहे राइबोसोम हो लाइसोसोम हो या माइटोकॉन्ड्रिया हो वो सब तो कोशिका द्रव में पाया जाता है उस सब न्यूक्लियस में नहीं पाया जाता है। लेकिन इसके बारे में आप जान लीजिए कि यह नाभिक में भी पाया जाता है यानी कोशिका द्रव में भी पाया जाता है और केंद्रक द्रव में भी पाया जाता है। कौन? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन यह होता है दो तरह का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या प्रकार के? दो प्रकार के। एक को कहा जाता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक को कहा जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या प्रकार के? क्या प्रकार के? कौन कौन? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन कौन? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो गौर करना चेला। अच्छा यहां पर दो भाग तुमको दिखाई दे रहा होगा। ई वाला भाग दिखाई दे रहा है? एकरा में कोग स्पोर्स नजर आ रहा है? यस सर कहता है। कहे कोग स्पोर्स है? ध्यान से देखिए एकरा में कोग बिंदा बिंदी नजर आ रहा है? एकरा में आरा ढेरी है ना, इसीलिए इसको दो भागों में बांटा गया था। ई जो है तोर जकरा में एको तरह बिंदा बिंदी नहीं दिख रहा लो ये है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ई वाला कौन है? रफ इंडोप्लाज्मिक। अरे नहीं समझे जैसे चिकना सतह रहता था कहता पूरा स्मूथ है और खुरदरा रहेगा तो की बोलता है रफ है। बात बुझा? कॉमन वाला बात था। जहां पर एक्वाग स्पोर्स नहीं नजर तोरा आ रहा है तो जिस प्रकार के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम का स्पोर्स नहीं पाया जाता है वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है और जकरा में पाया जाता है वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। कोई कंफ्यूजन? अब कहिएगा सर दोनों का तब कम अलग अलग हो जाएगा? बिल्कुल होगा। जब दोनों अलग अलग तरह का हो गया एकरा में राइबोसोम है ये नहीं है तो जकरा में राइबोसोम नहीं होगा स्पष्ट होगा प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। सबका ध्यान यही ना है? जेकरा में राइबोसोम नहीं है तो संभव है प्रोटीन का संश्लेषण नहीं। तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम कौन बोले थे? एकर मतलब है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा? प्रोटीन का संश्लेषण होगा। यहां पर प्रोटीन का संश्लेषण होगा लेकिन इसमें स्मूथ वाला में नहीं होगा। तो कहिएगा स्मूथ वाला में क्या होगा? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा का संश्लेषण होगा। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट और वसा का संश्लेषण। और रफ वाला में क्या होगा? रफ वाला में क्या होगा? प्रोटीन का संश्लेषण। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या प्रकार के? कौन कौन? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दोनों में कोई कंफ्यूजन? अब आपको पढ़ना भेक्वल जिसके बारे में आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि वहां पर एक भेक्वल बताए थे ओकरा बारे में चर्चे अभी तक नहीं हुआ है। तो गौर करना भेक्वल को हिंदी में रसधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? रसधानी यानी कोशिका के अंदर एक एकदम खाली सा पार्ट्स रहता है एक पतली झिल्ली से घिरा हुआ जिसके अंदर
पानी भरा रहता है, कार्बोहाइड्रेट भरा रहता है, उसके अंदर थोड़ा लवण भरा रहता है, वैसे पैक्ड भाग को ही हम लोग रसधानी या भैक्वल के नाम से जानते हैं। तो याद रखना है, जल, खनिज, लवण और कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर भरा रहता है? रसधानी के अंदर भरा रहता है, भैक्वल के अंदर भरा रहता है, उसी को हम लोग भैक्वल या रसधानी के नाम से, जिसमें रस रहता है, जिसमें रस भरा रहता है उसको क्या बोलेंगे? रसधानी। जिसमें रस भरा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? रसधानी। तो आपने अभी तक में, हमको लगता है कि कोशिका के अंदर जितना भी नाम सुने होंगे ना, उस टोटल नाम पढ़ लिए, एक नाम अभी तक नहीं बचा जो कोशिका में था और आपने उसके बारे में नहीं पढ़ा। लेकिन एक चीज अभी तक नहीं पढ़ा, वो था कोशिका विभाजन। हालांकि वो भी साइटोलॉजी में ही पढ़ना है, हम उसको अलग चैप्टर कर दिए। कहेगा काहे जानते हैं? काहे किए नहीं पता है? क्योंकि क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो क्रमबद्ध रिस्पेक्टिवली ज्ञान यदि नहीं लेते ना, तब होता क्या, ब्रेन पजल हो जाता है। जैसे चार दिन से यही पढ़ा रहे थे कोशिका, अब अगले दिन कहते ना यही चैप्टर चलेगा, तो ब्रेन पजल हो लगता है ना, रोज एक चैप्टर पढ़ रहे, बट कहिया खत्म होगा, पता नहीं कितना बड़ा है। तो हम उसको थोड़ा सा अलग कर दिए, तो अब लग रहा है चलो कोशिका मेरा खत्म हो गया, अब हम अगला चैप्टर में एंट्री मारेंगे जकर नाम क्या है? कोशिका विभाजन। तो कल दिल दिमाग दोसर जैसा रहेगा, कल एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, सेल डिवीजन। तो आप तो बोले थे कुछ क्वेश्चन बना के लाने लाए हैं, बना है, इसमें छह गो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, आगे जो आप देखेंगे छह गो नहीं बनेगा, बाद में सब बनेगा। क्या गो नहीं बनेगा? छह गो से ज्यादा नहीं किसी से छूटा है। यदि बनाइएगा छह गो नहीं बनेगा, कहेगा सर काहे नहीं बनेगा, कहेगा सेल डिवीजन का है। तो आगे जब सेल डिवीजन पढ़ाएंगे तो छह गो बन जाएगा, बात बुझे? सेल में जो क्वेश्चन था ना, उसमें छह गो क्वेश्चन आपसे नहीं बनना है। कहेगा काहे नहीं बनेगा, काहे कि सेल डिवीजन का है, बाद में सब बनेगा। तो बाद में कल बना लीजिएगा, और कल फिर आपसे मेरी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम होगा कोशिका विभाजन। थैंक यू वेरी मच आज की।